जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। और इसी शानदार तैयारी को एक ज़बरदस्त बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा सातवीं गणित प्रश्नवली 2.6 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि ज्ञात कीजिए, हमें हल करना है इसे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि 1.3 × 10। यहाँ पे हमें गुणा नहीं करना है। देखिए, ये काफ़ी सरल प्रश्न है, इसमें कुल 12 प्रश्न है, काफ़ी सरल प्रश्न है, काफ़ी इजी है। देखिए, यहाँ पे हमने क्या था, 1.3 है तो ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव को हटा दीजिए। जब भी दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या लगे रहेगी उतना जीरो लगा देना है। तो दशमलव के बाद एक संख्या है, एक जीरो लगा दिया आपने, और इसके आगे एक लिख दीजिए, कितना हो गया 10। और यहाँ पे गुणे में 10 था तो गुना में 10 लिख दिए। अब देखिए, यहाँ से दशमलव हट गया तो यह संख्या 13 हो गई, नीचे 10 है और यह ऊपर 10 है, नीचे ऊपर से 10 कट गया एक बार में। तो 13 को 1 से गुना करोगे तो आएगा 13। ठीक है, यदि था इसे कर लेते हैं। यहाँ से दे रखा है 36.8, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगेगा और इसके आगे एक लगेगा, 10 हो गया, गुने 10 है, फिर से नीचे ऊपर 10 हो गया, काटेंगे एक बार में। 368 को 1 से गुना करोगे तो आएगा 368। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि 153.7 × 10। तो यहाँ से करते हैं 153.7, दशमलव के बाद एक संख्या यानी नीचे 10 आएगा, है ना। अब गुने 10 है तो गुने 10 लिख देंगे, 10 से 10 कट गया, 153। यहाँ पे कितना आया, 1537, तो 1537 उत्तर होगा। देखें कितना इजी से हमने किया। तो प्रश्न संख्या 4 को भी इसी तरह करेंगे। प्रश्न संख्या 4 आराम से देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 168.07, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे 168.07। अब दशमलव के बाद दो संख्या है तो दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 शून्य लगेगा, है ना। 9 2 शून्य आया और यहाँ पे 1 आ गया, यानी 100 हो गया, गुने में 10 है। यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 168.07, 16,807/10 आया। अब इसे क्या करना है, हमें दशमलव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कितना शून्य है, 1 शून्य, यानी 168.07 लिख देंगे, और 1 शून्य है तो पीछे से एक संख्याओं के बाद दशमलव, यानी 7 के पहले दशमलव लगाएंगे, यानी 1680.7 ही उसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 31.1 × 100, तो यहाँ से कर लेते हैं 31.1, दशमलव हटाओगे तो इसके बाद एक संख्या है तो 1 शून्य आएगा, 1 यानी 10 आ गया, गुने 100। यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 311 को गुना करोगे 10 से तो होगा 3110। पॉइंट तो हट गया था, यानी 3110। नीचे 1 का कोई वे, नीचे 1 है तो 1 आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, यानी 3110 ही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 156.1 × 100, तो यहाँ से लिख लेंगे 156.1, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाओगे यहाँ से तो नीचे में 1 शून्य आएगा, क्योंकि एक संख्या है, 1 लगा देंगे 10 हो गया, गुने 100 है तो गुना 100 कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो यहाँ से 1561 की गुना 10 से करोगे तो होगा 15,610, ठीक है। नीचे का कोई भी, नीचे आप लोग एक यहाँ से हटा सकते हो, तो 15,610 इसका उत्तर हो जाएगा। पढ़ते प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि 3.62 × 100, तो 3.62, दशमलव के बाद 200 क्या है, दशमलव हटा गया तो नीचे 2 शून्य लगेगा और 100 हो गया, गुना में यहाँ पर में 100 है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ऊपर बचा सिर्फ 362, तो 362 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है 43.07 × 100, तो लिख लेंगे 43.07, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे में 2 संख्या, नीचे भी 2 शून्य आएगा और 1 यानी 100 हो गया, तो यहाँ से ऊपर में भी 100 था, 100 से 100 कट गया। लो यहाँ पे कितना बचा, 4307, तो 4307 उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, 0.5 × 10, तो 0.5 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है यानी एक सूर्य लगेगा और एक यानी 10 हो गया, और यहाँ पे 10 था तो 10 लिखेंगे, 10 से 10 कट गया, सिर्फ यहाँ पे 5 बचा। आप लोग यहाँ से 0 भी हटा दो, दशमलव भी हटा दो, क्या बचा, सिर्फ 5, और 5 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, 0.08 × 10, तो लिख लेंगे 0.08, दशमलव के बाद दो संख्या है तो दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 शून्य लगेगा और यहाँ पे 1 लग जाएगा, गुना करना है 10 से, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ऊपर में सिर्फ 8 बचा है, 8 लिख लेंगे और नीचे में 10 बच गया, यानी 8/10। अब देखिए यहाँ पे 1 शून्य है, यानी ऊपर की संख्याओं में यहाँ पे 8 लिख लो और नीचे में 1 शून्य है, तो एक संख्या यानी 8 के बाद शून्य होगा, यहाँ पे 0.8 ही इसका उत्तर हो जाएगा, 0.29 × 100, तो 0.9 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक शून्य आएगा और 10 हो गया, यहाँ पे गुना 100 कर से करना है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 के 10 से गुना करोगे तो होगा 90। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, 0.03 × 1000, तो 0.03 लिख लेंगे, दशमलव के बाद दो संख्या हटाएंगे दशमलव तो नीचे 2 शून्य लगेगा और 1, सो हो गया, गुना करना है हमें 1000 से, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, फिर से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 और 10, 3 की 10 से गुना करोगे तो उत्तर आएगा 30। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4, वो भी काफी सरल है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 53.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगा। यहां से हम लोग लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी दूरी वह तय करता है, 1 लीटर पेट्रोल में 53.3 किलोमीटर, ठीक है, तो वह 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, इसकी गुना 10 से कर देंगे, यानी 53.3 की गुना 10 से कर देंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 शून्य लगेगा और यहाँ पे 10 से यहाँ 10 कट गया, कितना है 533, यानी 533 किलोमीटर की दूरी का 10 लीटर पेट्रोल में करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न क्या था, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 5। अभी तक भारतीय क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद।